हेलो डियर चिल्ड्रन, बेटा टुडे विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज लिस्ट नंबर 4, नाउंस नंबर्स। एज आई टोल्ड यू, नंबर को हम हिंदी में कहते हैं बेटा वचन, ठीक है ना। ओके, ये आपने पहले अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा, चेंज द नंबर कैन बी द टॉपिक ऑफ द सेम विद दिस हेडिंग, राइट। एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर इन द लास्ट चैप्टर वी स्टडी अबाउट द नाउंस एंड इट्स काइंड्स, है ना। दे आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें से मैंने बताया था बेटा प्रॉपर नाउन होता है उसका कभी प्लूरल नहीं होता है, ठीक है, वो एक ही होता है अपना, बिकॉज इट्स हैज ऑन आइडेंटिटी। ओनली जो नंबर्स होते हैं वो आपके होते हैं कॉमन नाउन के या कलेक्टिव नाउन के। मटेरियल नाउन को भी काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसका भी प्लूरल नहीं बन सकता, ठीक है, जैसे वुड, रबर एटसेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, वी कैन नॉट सी एंड टच, वी कैन ओनली फील इट, तो इसका भी कभी भी प्लूरल नहीं होता। तो जो नंबर्स होते हैं वो बनते हैं कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन के, यानी कि प्लूरल जो बनता है वो या तो कोई कॉमन नाउन होगा या कोई कलेक्टिव नाउन होगा जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं। सो नंबर्स अगेन डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। वी हैव लर्न दैट नाउन्स मीन्स विच नाउन, कॉमन नाउन, स्पेशली कॉमन नाउन की बात हो रही है, हैव टू नंबर्स, उसके दो नंबर्स में हम उनको करते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मीन्स होता है वन, एक वचन बोलते हैं इसका, इसका मतलब अ लिख लो या वन लिख लो तो भी एक होता है वन। सिंगुलर मीन्स वन, एक वचन, एक की बात करेंगे। जैसे काउंटिंग आप पढ़ते हैं मैथ्स में नंबर, तो नंबर में आपकी काउंटिंग वन से शुरू होती है, दैट इज ऑलवेज वन इन नंबर, एंड रेस्ट ऑफ द नंबर्स विच कम्स आफ्टर वन दैट ऑलवेज टेक्स वी टेक इट दैट ऑल दिस नंबर्स एज प्लूरल, राइट। प्लूरल द सेकेंड टाइप ऑफ नंबर इज प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है बेटा मैनी, मैनी मीन्स वन, मोर देन वन, एक से ज़्यादा। वो एक से ज़्यादा आपके टू भी हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं, फोर भी हो सकते हैं, राइट। ओनली सिंगल नंबर इज कॉल्ड सिंगुलर। रेस्ट ऑफ टू जो होंगे, थ्री, फोर, वो मोर देन वन, एक से ज़्यादा हो गए, जो टू हो, थ्री हो या फोर, तो उसको हम बोलेंगे प्लूरल। प्लूरल को हिंदी में हम कहते हैं बेटा बहुवचन। बहु जो बनता है वो होता है बहुत, हिंदी में आप वर्ड पढ़ते हो बहुत, बहुत मतलब ज़्यादा, ठीक है। तो सिंगुलर नंबर, द नाउन्स हैव टू नंबर्स, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर मीन्स वन एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन। नाउ व्हाट द सिंगुलर नाउन, व्हेन कोई भी नाउन, व्हेन नाउन इज सिंगुलर, When it means one person, जब किसी एक person, एक object, यानी object means thing, या एक animal या place की बात हो, तो वो singular होता है। Same here, अगर कोई भी noun है, और noun is plural, वो plural तब कहलाता है when it means more than one, जब एक से ज़्यादा की बात करें, यानी many, many में वो two भी हो सकते हैं, three भी हो सकते हैं, right? There are some ways also how to change the singular into plural. Most of the nouns जो होते हैं बेटा, जितने भी हैं, car है, truck है, pencil है, ठीक है ना, जैसे aeroplane है, आपका विंडो है, डोर है, बुक है, पेंसिल है, मोस्ट ऑफ द जो नाउन्स होते हैं उनका प्लूरल हम कैसे बदलते हैं बेटा, जो सिंगुलर नंबर होता है उसके अंदर हम एस को ऐड करते हैं, ओनली बाय पुटिंग एस एंड एट द एंड ऑफ द सिंगुलर नंबर वी विल गेट द प्लूरल ऑफ द सेम नंबर। जस्ट लाइक तो यह लिखा हुआ है, यूजली वी गेट द प्लूरल फ्रॉम बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। हम सिंगुलर नंबर में एस को जोड़कर, ठीक है, ऐड करके हम उसका प्लूरल बना सकते हैं, राइट। जैसे आपका होता है बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं आपको और भी लिख के दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ लिखा है इरेजर, राइट। देर इज़ वन इरेजर, देन देर इज़ अ बुक, देर इज़ अ टेबल, देर इज कप, दैट इज कर्टेन। तो आपने देखा ये सिंगुलर है ना, ये ऑल आर सिंगुलर। ज़्यादातर जो नाउन होते हैं वो सिंगुलर नंबर में होते हैं, उनका जब हम प्लूरल बनाते हैं, ओके, व्हेन वी कम प्लूरल ऑफ द नंबर, तो व्हाट वी सिंपली हम क्या करते हैं, वी हैव जस्ट ऐड एस, हम उसमें एस प्लस कर देते हैं, है ना। इसमें सीधा ओनली मैं एस लगाऊंगी तो ये प्लूरल हो जाएगा फिर, ठीक है, ओके, प्लस एस करके, तो ये ऐसे हो जाएगा ई आर ए एस ई आर, सेम सिंगुलर लिख के आपको ओनली एस लगाना है। इरेजर्स, बुक का हो जाएगा बुक्स, टेबल का टेबल्स, कप का कप्स, कर्टेन का कर्टेन्स, सेम है सोन, डोर का डोर्स। तो हैव यू सीन हियर, मोस्ट ऑफ द नाउन है उसका प्लूरल हमने कैसे बनाया है, बस जस्ट एडिंग द एस टू द एंड ऑफ दैट वर्ड, ओके, ऑल आर द नेम ऑफ थिंग्स। तो दैट मीन्स मोस्ट यूजुअली जो होता है, अधिकतर जितने नाउन्स होते हैं उनमें एस लगा कर ही हम उसका प्लूरल बना सकते हैं, राइट। नाउ सी द नेक्स्ट केस, इन सम केसेस नाउन्स एंडिंग इन सी एच, एस एच, एस, डबल एस या एक्स, सी एच का साउंड आती है च, श, स, श, ठीक है ना, एक्स। तो हैव यू सीन यहाँ पे, ये इन साउंड्स को हम कहते हैं बेटा हिसिंग साउंड, एंड हिसिंग साउंड इज मेड बाय स्नेक। जो स्नेक की आवाज़ आती है किसी वर्ड के, जो हम बोलते तो उसके पीछे श की आवाज़ आती है, दैट इज हिसिंग साउंड। तो उसका जब हम प्लूरल बनाते हैं, वी गेट द प्लूरल बाय एडिंग ई एस, उसके अंदर हम एस नहीं जोड़ते, ई एस जोड़ते हैं। सी,
what are, again I'm telling you through this, with the help of this note, words ending in hissing sound. Hissing मतलब hissing sound, hiss की आवाज़ आती है. जिस word का, जिस भी noun का last letter s हो, जैसे मैंने एक word लिखा है यहाँ पे bus, तो see the last letter bus. This is class. देखिए double s. चो bench. ch. sh. brush. sh. right seen. box. x. तो हैव यू सीन दीज ऑल आर सिंगुलर, मीन्स जिसका सिंगुलर का लास्ट लेटर हिसिंग, बस, क्लास, राइट, बेंच, ब्रश, बॉक्स. तो हाउ टू फॉर्म द प्लूरल, इनका प्लूरल बेटा हम कैसे बनाते हैं, बाय जस्ट एडिंग ई एस. इनके पीछे हम ई एस एड करेंगे दोबारा से, ओनली एस नहीं ऐड करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे हम, बस में पहले एक और एस जोड़ेंगे, नो दैट इज़, ये तो कुछ और हो जाएगा, राइट. तो द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग द हिसिंग साउंड वर्ड को कैसे कराते हैं, बस का बसेस, ई एस जोड़ना है. सेम ईयर क्लास का हम क्या जोड़ देंगे, तो क्लास सेम सिंगुलर लिखना है आपको, और इनके पीछे आपने क्या ऐड करना है, ई एस. बेंच, देखिए बेंच, तो ई एस जोड़ के इसका प्लूरल. ब्रश, ई एस जोड़ के ब्रशेस. बॉक्स, ई एस जोड़ के बॉक्सेस. इन दिस वे, राइट बेटा. तो सी यू, जैसे आपका दिया हुआ है एक्स में बॉक्स का लास्ट लेटर एक्स है, बुश, बुश झाड़ियाँ होती है, वॉच जो हम पहनते हैं कलाई पे बांधने वाली घड़ी, ठीक है. एज, एज का मतलब बेटा गधा होता है, इसको डंकी भी कहते हैं, ठीक है. तो एज का एज इज गैस, गैस इज लॉस, लॉस होता है कोई भी नुकसान हो जाना ना, हानि, उसको हम कहते हैं लॉस का लॉसेस. फाइन, नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल. हाउ, अब आई टोल्ड यू ओ कहाँ आपको एस लगाना है और कहाँ ई एस लगाना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल. There are some nouns, okay? There are some nouns ends in Y. जिस noun का last letter, किसी भी thing या animal का, किसी का last letter अगर Y से end होता है, and there is no vowel, उससे पहले vowel नहीं है. I'm just taking, sorry, these two together, so to make you clear, okay? Because these are all the word ending in Y, but there is a difference. अगर Y से just before vowel नहीं है, A, E, I, O, U नहीं है before the Y, we get the plural for the drop, by dropping the y and adding es. y से पहले अगर vowel नहीं है तो हम y को drop करते हैं, drop मतलब leave करते हैं, by leaving, छोड़, उसको हटाना, okay, हटाना, leave करना, उसको छोड़ देना है वहाँ पर, ठीक है, leave कर देना, हटाना या छोड़ देना. y को हम drop कर देते हैं, means हम उसको लिखते नहीं हैं दोबारा plural, और y को हम उसकी जगह क्या replace करते हैं, क्या add कर देते हैं, ies, ठीक है. just see, अगर y से पहले consonant है, just मैंने एक word लिखा यहाँ पर consonant, यहाँ पे लिखा आपका आर्मी, ए आर एम वाई, आर्मी, ठीक है. फिर लिखा मैंने स्टोरी, एस टी ओ आर वाई, स्टोरी, ठीक है. फिर मैंने लिखा फैमिली, एफ ए एम आई एल वाई, ठीक है. फिर मैंने लिखा डंग, नो इसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, डंकी में तो की आता है. देट वी विल राइट हियर सिटी, सी आई टी वाई, सिटी. देन मैंने लिखा स्टोरी, लिख दिया आई हैव रिटन. देन चेरी, जो हम फ्रूट खाते हैं चेरी, ठीक है. तो सी, लास्ट लेटर इज़ वाई, है ना बेटा, लास्ट लेटर वाई. बट देखिए जस्ट बिफोर, आपको एकदम उसके पहले वाला लेटर देखना है. तो इससे जस्ट पहले वाई एम है, इससे पहले आर है, और इससे पहले टी है, इससे वाई से पहले आर है, वाई से पहले, एंड ऑल आर कॉन्सोनेंट. नाउ सी बेटा, ऑल आर कॉन्सोनेंट हियर. सो व्हाट, हाउ टू फॉर्म द प्लूरल फ्रॉम देम, इफ वी हैविंग कॉन्सोनेंट बिफोर वाई, सो व्हाट वी डू, वी जस्ट ड्रॉप द वाई व्हाइल मेकिंग द प्लूरल. दिस इज सिंगुलर एंड सो आई एम मेकिंग प्लूरल. जस्ट लुक एट हियर हाउ वी फॉर्म द प्लूरल. जस्ट लाइक द फर्स्ट वर्ड इज आर्म, राइट. सो द लास्ट लेटर इज वाई, बट हैव यू सीन हियर बिफोर वाई वी हैव रिटन एम, एंड एम इज अ कॉन्सोनेंट. सो व्हाट वी विल डू हियर, व्हेन देयर इज अ कॉन्सोनेंट जस्ट बिफोर वाई, वी ऑलवेज ड्रॉप वाई. हम वाई को वहाँ पे ड्रॉप करते हैं. ड्रॉप मीन्स वी जस्ट रिमूव वाई फ्रॉम दैट वर्ड, एंड इंस्टेड ऑफ दैट वी एड आई ई एस. द करेक्ट वर्ड इज आर्मीज. हैव यू सीन हियर, अगेन दिस इज स्टोरी, स्टोरी विल बिकम स्टोरीज. हैव यू सीन, अगेन आई हैव ड्रॉप्ड वाई, मैंने वाई को ड्रॉप कर दिया, हटा दिया, आई हैव एडेड आई एस टू इट इन द सिंगुलर टू मेक इट प्लूरल. देन सिटी, सिटी विल बिकम सिटीज, राइट. देन चेरी, चेरी विल बिकम चेरीज, एंड फैमिली विल बिकम फैमिलीज, राइट, इफ वी हैव द कॉन्सोनेंट बिफोर वाई. बट सी अनदर रूल विद द सेम, इफ द लास्ट लेटर इज वाई, but if there is a consonant vowel before the y,
सी, अगर वाई से पहले वोवल होगा, यहाँ तो मैंने कॉन्सोनेंट बताया बेटा आपको, यहाँ वोवल की बात करनी. सी द लास्ट लेटर इज वाई ऑफ दी सिंगुलर नाउन एंड यू हैव यू सीन जस्ट बिफोर वाई वी आर हैविंग वोवल. जस्ट लाइक बॉय वी हैव ओ जस्ट बिफोर वाई, इन की वी हैव ई वोवल बिफोर जस्ट बिफोर वाई, एंड दिस इज ट्री जस्ट बिफोर वाई आवर वोवल इज देयर. सो हाउ टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ दीज, तो वाइल वी इफ वी हैव द वोवल्स जस्ट बिफोर वाई, वट वी विल डू, वी विल जस्टली सिंपली मेक द प्लूरल बट जस्ट बाई एडिंग एस टू इट. हमें कुछ चेंज नहीं करना है, एज आपको जैसा सिंगुलर लिखा है आपको सिंगुलर लिखना है और आपको सिंपली उसमें एस ऐड कर देना है. देर इज़ नो चेंज, देर इज़ नो चेंज. वाई से पहले अगर वोवल है तो देर इज़ नो चेंज, सिंपली यू हैव टू ऐड एस. आपको कुछ वाई को हटाना नहीं, कुछ नहीं बदलना है, बस एस को ऐड करना है प्लूरल बनाते समय. तो की विल बिकम कीज एंड ट्रे विल बिकम ट्रेज. अगेन आई एम रिपीटिंग, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है जस्ट बिफोर, तो बेटा वाई को हम हटा देते हैं और उसकी जगह हम आई एस को ऐड करके इसका प्लूरल बनाते हैं. बट अगर वाई से पहले वोवल है तो हम कुछ भी नहीं चेंज करते, ओनली सिंपली सीधा सीधा एस ऐड करते हैं, जैसे हम मोस्ट ऑफ द नाउंस में करते हैं.